हाँ तो मरजान, क्या झूठ बोल के आई हो तुम? हमने कहा सहेली के घर जा रहे हैं। बहुत ही अकलमंद दिमाग पाया है तुमने। खैर, तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया उस दिन जब हम डॉक्टर के पास गए थे? तुम्हारा बाप हमारे पास आके बहुत उछल रहा था। हम जानते हैं, वो तो हमें भी हमेशा पागल कहते हैं। वो कह रहे थे कि जो पहला रिश्ता आएगा उसे हाँ कह देंगे। ओ, उनको चाहिए कि तुम्हें छोड़े और पहले नजर के रिश्ते के बारे में सोचे। लेकिन हमसे नहीं, कहीं दूर से। पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में लफंगे। अरे भाभी, मैंने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं तो यहाँ चुपचाप खामोश बैठा हूँ, आप मुझ पे क्यों चढ़ाई कर रही हैं? मैंने सोचा कि पहले से ही एहतियात कर लूं। चलो गाड़ी चलाओ। या अल्लाह, समझ। खुशामदीद डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक, और आप कैसी हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। देखें आपके पास किसको लाई हूँ। बहुत अच्छा किया, खुशामदीद मरजान। बहुत शुक्रिया। ओए, मैं बारी जाऊँ, नाम भी नहीं भूले। मैं अपने मरीजों का नाम नहीं भूलता। मरजान आओ, थोड़ी बातें करते हैं। हाँ करे करे, खूब बातें करे। पूछे कि इसे क्या पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, किस टीम की हिमायत करती है, कहाँ घूमना पसंद करती है, क्या स्टार है इसका? अरे भाभी प्लीज जरा खामोश हो जाइए, हॉस्पिटल है। अरे यार, इन दोनों का काम बन जाएगा। उसने तो मुझे नहीं कहा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। असल में भाभी वो एक डॉक्टर है, उसके पास कई मरीज आते रहते हैं, और वो आपको भी एक मरीज समझ रहा है। बदतमीज इंसान, अपनी भाभी का मजाक उड़ाते हैं। तौबा तौबा। पिछले सेशन के बाद अब कैसी तबीयत है? हम फिर से खुद को जानना चाहते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो आग जल रही है उससे हम निजात हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम्हें उसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पता नहीं, बस हमें प्यार है, बचपन से ही प्यार है हमें। क्या दोस्त है तुम दोनों? नहीं, बात पक्की होने तक हमारी कभी ठीक तरह बात भी नहीं हुई थी। वैसे बात पक्की होने के बाद भी कभी सही बात नहीं हुई हमारी। क्यों बात नहीं हुई? वो हमें नहीं चाहता था, वो तो सही है, पर कोई हमें क्यों नहीं समझता? देखो सब लोगों की बातें नहीं करो, वो नहीं चाहता तुम्हें, उसे नहीं पसंद आई तुम, लेकिन किसी और को तो आ सकती हो, और हमारी कीमत हमें किसी दूसरे के चाहने या ना चाहने से पता नहीं चल सकती। तुम बताओगे कि हम कहां जा रहे हैं? ये तुम ठीक हो ना बेटा? चलो अपना जूस पहले खत्म करो ताकि तुम्हारे अंदर जान आए। इसे छोड़ो, तुम ये पियो। जी भाभी। सुनो, तुमने ईद को ले लिया है क्या? जी भाभी ले लिया है। अच्छा ठीक है, नफीस को मेरा सलाम कहना और ईद को मेरी तरफ से प्यार करना। हाँ वो तो ठीक है, पर आप उस्मान साहब को संभाल लेंगे ना भाभी? कहीं वो अपनी बेटी के चक्कर में मुझ पर बंदूक लेके पीछे ना भागे। पागल लड़का, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। चलो मैं फोन रखती हूँ, मरजान को डॉक्टर के पास लाई थी, फिर बात होती है। ताहिर और नफीस ने ईद को ले लिया है, अब वो लोग बाबा के घर जा रहे हैं। शुक्र है खुदा का। यकीन करे भाभी, अब ज़हन को सुकून मिला है। हाँ। ओ मरजान, आ गई तुम, डॉक्टर से बात हुई? चलो तुम मेरे साथ आओ। वैसे वो डॉक्टर बहुत कूल इंसान है ना, क्या पूछा तुमसे?